मुंबई से सटे भयंदर पूर्व के गोल्डन नेस्ट इलाके में आईसीटी टीम तथा सिल्वर राज फाउंडेशन की ओर से माझा बप्पा श्री गणेश उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां इंद्रलोक कॉम्प्लेक्स की फेज 6-7-8 के घरेलू तथा हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति और बैकग्राउंड सजावट की प्रतियोगिता हुई, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के साथ साथ उप महापौर हंसमुख गहलोत और पूर्व महापौर डिंपल मेहता ने भी भाग लिया। वहीं इस अवसर पर भाजपा जिला सचिव श्री भरत बोहरा, गोल्डन नेस्ट मंडल अध्यक्ष दीपक सावंत, प्रभाग क्रमांक 12 अध्यक्ष महेंद्र तिवारी व बीजेपी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। पेश है हमारे भयंदर के संवाददाता अमृता उपाध्याय की खास रिपोर्ट। मेरे ख्याल से काम की शुरुआत 1-2 महीने में हो जाएगी और धीरे धीरे करके आने वाले 2 साल के अंदर मैं आपको विश्वास दिला तो इस क्षेत्र के अंदर एक भी रास्ते के ऊपर खड्डा नहीं होगा। इसलिए गणपति बाप्पा जब भी आप लेके आएंगे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर रास्ते के खड्डे तभी भर जाते हैं जब गणपति बाप्पा आने वाले होते या जाने वाले होते। ये हमारे सरकारी कामकाज है, गणपति बाप्पा आने वाला, क्योंकि उनको चिंता रहती है एक आधी मूर्ति अगर विखंडित हो गई तो क्या करेंगे, इसलिए वो भी खड्डे भरने की गुजरात जाते समय करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। लेकिन ये दोनों जन यहाँ पे है, 2 जन नहीं है, लेकिन सबने कि इस क्षेत्र के सारे एक बार सीमेंट रोड हो जाए, 20 साल तक देखने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे कई सारे काम करने हैं। आपको इतना ही कहूंगा, इस वार्ड के अंदर गार्डन हो, प्लेग्राउंड हो, मार्केट हो, आने वाले समय के अंदर हॉस्पिटल हो, ये सारी सुविधाएं इस क्षेत्र के अंदर उपलब्ध होगी। क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे तो स्लम परसेंटेज नहीं है, रास्ते सारे खुले और बड़े हैं, कुछ अनडेवलप हो सकते हैं, गार्डन प्लेग्राउंड बहुत सारे बने, बहुत सारे बनाने बाकी है। लेकिन एक संकल्प आप संकल्पना कीजिए कि अगर जिस दिन इस वार्ड को पूरा डेवलप किया जाएगा तो क्या सुंदरता होगी, क्या निखारता होगी इस वार्ड की। और अब ये दो है, मैं भी आ गया हूँ तीसरा, क्योंकि एक्चुअल तो ये बिना वार्ड, क्योंकि बहुत से नए आए होंगे। मैं 2002 से इस वार्ड का ओरिजिनल कॉरपोरेटर में ही हूँ। ये पूरा इंद्रलोक जितने हैं इसमें सारे, मतलब आप गोल्डन सर्कल से लेकर हाटकेश तक, ये सारा मेरा ही उस समय वार्ड हुआ करता था। इस वार्ड की गली कुचे से वाकिफ हूँ, मुझे भी इस वार्ड में काम करने का बहुत मौका मिला और उसी परंपरा को हमारे दोनों यहाँ पे उपस्थित, मैं दोनों कह रहा हूँ इसका मतलब वो दो नहीं है ऐसा मत गिनिएगा, अभी यहाँ पे दो इसलिए दो को कोट कर रहा हूँ। तो ये इन्होंने हमेशा यहाँ पे उस चीज को कायम रखा है कि आगे भी ये वार्ड डेवलप होता जाए। एन सेल्वराज फाउंडेशन की तरफ से माझा बप्पा 2021 का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया था, जो कुछ दिनों पहले ही हमने स्टार्ट किया था, जहां पर हमने इको फ्रेंडली गणपति लोगों को प्रोत्साहित किया था कि वो घर घर और सोसाइटी में लेके आए। उसी के उपलक्ष्य में आज लोगों को पुरस्कार दिया गया है, कुछ लोगों को मोटिवेट किया गया एंड नेक्स्ट ईयर लोगों को मोटिवेट करने के लिए अभी से हमने उनके लिए अनाउंसमेंट करके रखा है कि नेक्स्ट ईयर कम्प्लीटली इको फ्रेंडली आप घर पर लाइए, पर्यावरण को बचाइए। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं आईसीटी टीम और सेल्वराज फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोगों को प्रोत्साहन कर रहे इको फ्रेंडली गणपति बनाने के लिए। और मेरा भी सपना था कि मेरा भाईंदर शहर पूरा स्वच्छ और पर्यावरण सुखीमय वाला वातावरण रहे, इसी कारण के बस आईसीटी टीम को धन्यवाद तहे दिल से देना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम लोगों के हित के लिए था, हमारे शहर के हित के लिए था और हमारे पर्यावरण के हित के लिए था। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आईसीटी टीम और सेल्वराज फाउंडेशन द्वारा जो अपने प्रभाग क्रमांक 12 में एक कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही सराहनीय है। गणपति उत्सव को मद्देनज़र रखते हुए घरगुत्ती और सोसाइटीज़ में जो गणेश उत्सव मनाया गया उसको डेकोरेशन को लेकर के जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा गया वो बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम रहा और लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सभी को सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं सेल्वराज फाउंडेशन और आईसीटी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कोई गणपति बाप्पा के मूर्ति का डेकोरेशन को लेकर के नहीं था, बजाय इसके कि एक उनको सम्मानित करने का एक व्यवस्था था। ये तो आइंदा से एक चीज़ की ध्यान रखने की कोशिश करें कि अगर पर्यावरण की सुरक्षा को आप ध्यान देना चाहते हैं तो इको फ्रेंडली मूर्तियों का बढ़ावा करें और इको फ्रेंडली मूर्तियों का चयन करें, बजाय कि POP की मूर्तियाँ लाने और पर्यावरण को नष्ट करने का एक वो जरिया होता है। इसके लिए सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप सभी
इको फ्रेंडली मूर्तियों को बढ़ावा दें और अपने घर पे गणपति बप्पा की मूर्ति इको फ्रेंडली लेकर के आए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बीच में आके आपसे वार्तालाप कर लेता हूँ। आईसीटी सिल्वर फाउंडेशन ने आज का जो माजा तोहफा 2021 का कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम के अंदर मुझे मेरे सहयोगी एक्स मेयर डिंपल मेहता जी, हमारे पार्टी के महासचिव भरत बोरा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक सावंत जी, प्रभा भारत के अध्यक्ष तिवारी जी, महेंद्र तिवारी जी, और साथ में मेरे आए हुए मित्रगण, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सामने बैठे हुए सभी महानुभाव, और सिल्वर फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ये कार्यक्रम रचा है। और भगवान से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भविष्य में आप इस तरीके के कार्यक्रम हमेशा कीजिए। मैं हमेशा साथ उसी का देता हूँ जो कार्यक्रम कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो एक बार करते बंद करते उसमें मजा नहीं आता है। जिस तरीके से डिंपल जी ने कहा है कि जब बड़े महानुभव बोल देते हैं या कुछ वक्ता अच्छा बोल देता है तो लास्ट में बोलने वाला जो रहता है उसके पास कुछ कम ही बचता है बोलने के लिए, तो मैं उन्होंने जो कहा है उसको छोड़ते हुए कुछ और नई बातें करता हूँ। स्पेशली सिल्वरराज फाउंडेशन और आईसीटी की बात करता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम क्यों किया, किस तरीके से इनका फाउंडेशन क्रिएट हुआ, इन्होंने कल्पना की किस तरीके से, कि हम उस विषय पर थोड़ा बात करना चाहेंगे और मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा बताऊंगा। आईसीटी वो इंद्रलोक कोर टीम के बदले क्या थी, इंद्रलोक क्रिकेट टीम थी। क्या थी? इंद्रलोक क्रिकेट टीम थी। इनके जो मेंबर्स थे रियल में 90% सभी प्रोफेशनल्स थे, कोई इंजीनियर्स थे, कोई बिजनेसमैन थे, कोई टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, और ज्यादातर सबसे बड़ी बात ये है जैसे मैंने कहा था कि 90% प्रोफेशनल इसके अंदर जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। 100% जितने भी एनजीओ सब निस्वार्थ सेवा ही करते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। इसमें खास बात ये है कि सिर्फ नवरात्रि और गणपति पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ नवरात्रि और गणपति पे ध्यान नहीं देते, उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिस तरीके से आज आप यहाँ पे बैठे हो, तो इसमें इको फ्रेंडली होना चाहिए, इसके ऊपर इन्होंने ध्यान ज्यादा दिया। जैसे मैंने कहा इन लोग क्रिकेट टीम थी, राजीव और उनके साथी आए मेरे पास कि सर हमें कुछ करना है। बोला आपके जैसे नौजवान आते हैं और हर बार यही कहते हैं हमें कुछ करना है लेकिन आगे कुछ कर नहीं पाते, तो कुछ देर चलते हैं बातें बंद हो जाते हैं। बोले सर हम पहले क्रिकेट का ऑर्गेनाइज करते हैं। बोला कॉमन है क्रिकेट करते हो, कुछ खास बात नहीं, कुछ नया आप कर सकते हो। जिस तरीके से मेहता सर ने कहा था कि आपके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, लोगों के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, अगर आप ऐसा कुछ